Hello everyone, very good morning. Welcome back. As you know, we were learning about active and passive voice. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम active passive voice पढ़ रहे थे. So, आज भी हम लोग active passive में जो हमारे कुछ sentences बचे हैं, कुछ जो tense बचे हैं, जिनको हम active से passive में कैसे change करते हैं, उनके बारे में शुरू करते हैं. जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है. उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया और उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया. जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि परफेक्ट कंटीन्यूअस के जितने भी हमारे टेंस होते हैं उनका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, उनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है. इज दैट क्लियर? कल मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास भी कहते हैं, उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी. उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से कर भी पा रहे होंगे. आज जो हम जिस टेंस के बारे में पढ़ेंगे वो होगा हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. अब बात करते हैं सबसे पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की. चलिए शुरुआत करते हैं. पास्ट Continuous tense. जैसा कि टेंस में आपने पढ़ा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है, यानी जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वो क्या होगा. सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज और वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज होती है, जिस सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, एग्री करेगी, उसको हम यूज करेंगे. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम वर्ज यूज करते हैं और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम वर यूज करते हैं. भाई यही तो था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स. इज दैट क्लियर? उसके अलावा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी फोर्थ फॉर्म, यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, फोर्थ फॉर्म बनाते हैं. ठीक है, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते थे. तो ये थी एक्टिव फॉर्म किसकी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की. अब इसका बनाना हमें पैसिव, यानी एक्टिव फॉर्म में तो इस तरीके से हमारे को सेंटेंसेस मिलते थे, अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा. पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं, वो चाहे हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. तो सिर्फ हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको पढ़ा चुका हूं, पास्ट कंटीन्यूअस की. तो जितने भी कंटीन्यूअस फॉर्म में हमारे टेंस होते हैं उनका जब हम पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, यानी मेन वर्ब में आईएनजी हम लोग लगाते हैं. लेकिन जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ बीइंग ऐड हो जाता है, बाकी का जो स्ट्रक्चर एक्टिव फॉर्म में होता है किसी भी सेंटेंस का वही पैसिव फॉर्म में भी रहता है. ठीक है, तो जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, जब पैसिव फॉर्म बनेगी इसकी तो किस तरीके से होगी, पैसिव फॉर्म की बात करते हैं. ये था एक्टिव फॉर्म, यानी जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट दे रखा होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज और वर्ब मैसेज होगी, हेल्पिंग वर्ब यहां पे एग्री कर रही होगी या इसको सेटिस्फाई कर रही होगी वो यूज करेंगे हम. मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म से मेरा मतलब है कि मेन वर्ब की, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हम लोग फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, जैसे गो वेंट गॉन हो गया, तो गो हो गई फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गई सेकंड फॉर्म और गॉन हो गई उसका थर्ड फॉर्म. लेकिन गो में हमने आईएनजी जोड़ा तो वो क्या बनेगा, गोइंग बनेगा और इसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं हम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म. और इनको हम लोग पार्टिसिपल्स भी होते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है. इज दैट क्लियर? सो अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं. पैसिव फॉर्म जो इसका बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब एग्री करेगी वॉज एंड वर्ब में से वो यूज करेंगे हम लोग, बीइंग यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट. ये होगा पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में. इज दैट क्लियर? तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब हम लोग एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये हमको याद रखना है, लर्न करना है. इज दैट क्लियर? ये हमको सीखना है, सीखना बहुत ज्यादा इजी है,
यानी जो टेंस होता है वो हमारा चेंज नहीं होता, हम एक्टिव से पैसिव में चाहे किसी भी टेंस को चेंज करें, यानी जो हमारा टेंस रहेगा अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो भी प्रेजेंट टेंस में ही चेंज होगा, अगर पास्ट टेंस है अगर पास्ट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वह भी पास्ट टेंस में ही, पैसिव फॉर्म भी उस सेंटेंस का, उस पर्टिकुलर जिस सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वह भी पास्ट टेंस में ही रहेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो टेंस होता है वह हमारा चेंज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? और इसीलिए इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता। ठीक है, मैं एग्जांपल्स देता हूं। मैंने लिखा माय मदर वॉज कुकिंग द फूड, माय मदर वॉज कुकिंग द फूड, आप वो देख सकते हैं सब्जेक्ट हो गया, वॉज मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, कुक में मैंने आईएनजी जोड़ के कुकिंग यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना दिया, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में क्या करना है, बेटा चेंज करना है। तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है क्या होगा, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं पैसिव वॉइस में, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और सब्जेक्ट को क्या बना करके लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं पैसिव वॉइस में। तो शुरुआत करते हैं इस सेंटेंस में जो एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ उसमें, उसको अगर हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट बनाया हमने ऑब्जेक्ट को द फूड। अब द फूड देख सकते हैं आप लोग ये अनकाउंटेबल की तरह यूज हुआ यहां पे, इसीलिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज, द फूड वाज, यहां तक तो हम बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, बीइंग, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, यानी जहां भी मेन वर्ब में आईएनजी आपको मिलेगा जिस भी सेंटेंस में, उसको अगर आपने पैसिव में चेंज करना है तो आप आंख बंद करके बीइंग का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बीइंग का, बीईआईएनजी। सो द फूड वाज बीइंग। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी पैसिव फॉर्म में चेंज करते किसी एक्टिव सेंटेंस को तो वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव फॉर्म में। तो जब कुक का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे यहां पे तो क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से कुक्ड होना चाहिए, द फूड वाज बीइंग कुक्ड। उसके बाद हम लोग बाय यूज करते हैं और सब्जेक्ट को क्या बना करके लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, माय मदर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, माय मदर। देखिए टेंस चेंज नहीं हुआ, माय मदर वाज कुकिंग द फूड, मेरी माता जी खाना पका रही थी, ये एक्टिव फॉर्म में इसका मीनिंग हुआ। जब इसको मैंने पैसिव में चेंज किया तो मैंने क्या किया, द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय मदर, यानी खाना मेरी माता जी के द्वारा पकाया जा रहा था। बात तो एक ही है, माता जी खाना पका रही थी और खाने को मेरी माता जी के द्वारा पकाया जा रहा था। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करें या पैसिव से एक्टिव में चेंज करें, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो टेंस होता है यानी वह चेंज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं। मैंने लिखा समवन वॉज नॉकिंग एट डोर, समवन वॉज नॉकिंग एट डोर, इसका मतलब यह हुआ कि कोई दरवाजा खटखटा रहा था। इज दैट क्लियर? जब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में तो इसका मतलब क्या होगा, समवन वॉज नॉकिंग एट डोर, यानी दरवाजे पर कोई था और वो उसको खटखटा रहा था, यानी कोई दरवाजा खटखटा रहा था। ठीक है, इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। मैंने लिखा डोर वॉज बीइंग नॉक्ड एट बाय समवन। देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है बाय समवन को, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये इंडेफिनिट है यानी अनिश्चित है, हमको नहीं पता कौन था जो दरवाजा खटखटा रहा था, इसीलिए जब इसको हम ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं तो ये भी क्या रहेगा, इंडेफिनिट रहेगा। जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय समवन नहीं करेंगे, अगर हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं तो ये क्या है, करेक्ट है। अगर हम इसको बाय समवन कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग बाय समवन का यूज नहीं करते हैं।
डोर वॉज बींग नॉक्ड एट, यानी दरवाजा खटखटाया जा रहा था। Someone was knocking at door, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा था। सब्जेक्ट के बारे में क्या हमको पता है कि कौन पर्टिकुलर पर्सन दरवाजे पर था, यहाँ भी हमको नहीं पता। तो सेम थिंग जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका भी एक्चुअल मीनिंग यही निकलना चाहिए। Door was being knocked at, यानी दरवाजा खटखटाया जा रहा था। किसके द्वारा खटखटाया जा रहा था हमको नहीं पता। Is that clear? इसीलिए हम by संबंध का यूज नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे मैंने knock के बाद at का यूज क्यों किया, क्योंकि at यहाँ preposition की तरह यूज हो रहा है। Is that clear? So यहाँ जैसे knocking at है, इसीलिए मैंने यहाँ भी knock की थर्ड फॉर्म knocked यूज की है और उसके बाद मैंने at यूज किया जा रहा है। Is that clear? Door was being knocked, यानी दरवाजा खटखटाया जा रहा था, इसका मीनिंग यह निकलेगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमारा सब्जेक्ट इंडेफिनिट होगा, अननोन होगा, यानी सब्जेक्ट के बारे में हमको पता नहीं कि किस पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या थिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तब उसका जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उस इंडेफिनिट जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे उसको, तो उसको हम लोग लिखते नहीं है। इज दैट क्लियर? वो अननोन ही रहता है। क्या रहता है? वो अननोन। उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि दरवाजा जो है वो किसी के द्वारा खटखटाया जा रहा था। इज दैट क्लियर? तो इसको हम अंडरस्टूड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ दरवाजा किसी के द्वारा खटखटाया जा रहा था। जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं। मैंने देखा आई वॉज गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा था। बहुत ज्यादा इजी है, आप आसानी से करते हैं, कर सकते हैं इसको। इसको मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया मैंने बेटा? सब्जेक्ट बनाया, जयपुर वॉज बीइंग गोन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? मी। इज दैट क्लियर? सो इसलिए मैंने आई को क्या लिखा? मी। आई का हम आई नहीं लिखेंगे, आई को क्या बनाएंगे? आई का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने क्या लिखा? मी। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं। मैंने लिखा हर, सी वॉज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गा रही थी, अच्छा गीत गा रही थी, सुंदर गीत गा रही थी, हम कुछ भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसको मैंने पैसिव में चेंज किया तो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा क्या रहेगा? अ नाइस सॉन्ग, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। सिर्फ नाइस सॉन्ग सॉन्ग या ए सॉन्ग हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। यानी देखिए, मान लीजिए ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग हमारा मेन वर्ब हो गया, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है? कंटीन्यूअस है, और हमेशा कंटीन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। हमारे डिटरमाइनर आर्टिकल हो गया, नाइस क्या होता है? अच्छा सुंदर, सॉन्ग क्या होता है? गीत, यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो अ नाइस सॉन्ग ही पूरा हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सिर्फ आप नाइस सॉन्ग या अ नाइस या अ सॉन्ग इस तरीके से ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो अ नाइस सॉन्ग से ही हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। मैंने वही किया, अ नाइस सॉन्ग, अ नाइस सॉन्ग वॉज संग बाय हर। यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, वैसे ही सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। यानी अ नाइस सॉन्ग वॉज संग बाय हर, यानी एक सुंदर गीत, एक अच्छा गीत उसके द्वारा गाया जा रहा था। सी वॉज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग, वो एक अच्छा गाना गा रही थी, मतलब तो दोनों का एक ही हुआ। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको। एक्टिव फॉर्म जो होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, वहां पे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम लोग वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, और हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी जो भी हमारी
वर्ब होगी जो बेस फॉर्म होता है उसका, उसमें हम आईएनडी जोड़ करके मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि टेंस जो हमारा है वह कौन सा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी जो भी काम वह किया जा रहा है वह क्या है, अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमेशा हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वॉज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो हम लोग वॉज यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, क्योंकि जितने भी कंटीन्यूअस फॉर्म वाले हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा हम लोग बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग यूज किया, उसके बाद मैंने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा ऐसे फॉर्म में, जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, और सबसे लास्ट में जनरली बाई का यूज करते हैं, और बाई के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके पैसिव फॉर्म में लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस की। चलिए शुरुआत करते हैं। Had
भाई हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी नहीं, हेड ही यूज होती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लुरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। हेड के बाद क्या यूज होगा? बीन यूज होगा जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तब। सो मुंबई हैड बीन गोन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो चुकी है बाय मी। मुंबई हैड गोन बाय मी, यानी मेरे द्वारा मुंबई जाया गया। मुंबई हैड गोन बाय मी, इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोग पैसिव में चेंज कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स में लेता हूं। मैंने लिखा समवन हैड पिक्ड अप माय पॉकेट, समवन हैड पिक्ड अप माय पॉकेट, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने मेरी जेब उड़ा ली, यानी जेब काट दी। मुझको नहीं पता कि सब्जेक्ट जो भी करने वाला था वो कौन था, अननोन था। यानी जो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे क्या है, अननोन है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ देर पहले कि संपल यूज हो रहा है, संपल हैड पिक्ड अप माय पॉकेट, यानी मेरी जेब किसी ने काट ली या मेरी जेब को किसी ने उड़ा लिया। मतलब तो ये हुआ कि जो भी पैसे वैसे उसके पास थे वे सारे के सारे उसके चोरी हो गए। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना करके लिखा माय पॉकेट Had been picked up. बस इतना ही छोड़ेंगे। अब हम इसको बाय संबंध नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वो कैसा है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, अननोन है, हमको नहीं पता। इसलिए जब भी पैसिव में हम चेंज करते हैं इसको तो बाय संबंध ऐसे हम लोग यूज नहीं करते। माय पॉकेट हैड बीन पिक्ड अप, ये अगर हम इतना करके छोड़ देते हैं तो ये 150% क्या है, करेक्ट है। अगर आप बाय संबंध वगैरह यूज करते हैं हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सही नहीं है ग्रामर के हिसाब से। हम यूज करते आ रहे थे उसको, लेकिन आज की डेट में जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हम विदाउट बाय संबंध यूज करते हैं। यानी जो हमारा इंडेफिनिट सब्जेक्ट रहा है, जो अननोन हमारा सब्जेक्ट रहा है, उसको हम लोग यूज नहीं करते। इज दैट क्लियर? तो आप इजीली इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, माय पॉकेट हैड बीन पिक्ड अप, यानी मेरी जेब को किसी के द्वारा काट लिया गया था या काट लिया, काटा जा चुका था। इज दैट क्लियर? संबल हैड पिक्ड अप माय पॉकेट, किसी ने मेरी जेब को काट, कोई मेरी जेब को काट चुका था या मेरी जेब को किसी के द्वारा काटा गया था। इज दैट क्लियर? द मीनिंग इज सेम, मीनिंग चेंज नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं। मैंने देखा दे हैड फिनिश्ड their work. They had finished their work. वे अपना काम खत्म कर चुके थे। Is that clear? देखिए ये मेरा subject हो गया, ये helping verb हो गई, ये main verb हो गई, their क्या हो गया यहाँ पे, possessive adjective हो गया। यानी they के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है, their, जिसको हम possessive adjective बोलते हैं। और work हमारा क्या हो गया, object हो गया। लेकिन जब मैं इसको passive में change करूँगा तो their work पूरा मेरा क्या रहेगा, object रहेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि their है, सिर्फ their को ना तो हम object बना करके लिख सकते हैं, ना सिर्फ work को लिख सकते हैं। यानी they had finished their work, वे अपना काम खत्म कर चुके थे। तो जो हमारा subject रहेगा passive form में वो अपना काम ही रहेगा। Is that clear? Their work, यानी नाउन से पहले जो भी यहाँ पे, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग या सिर्फ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं या कोई डिटरमिनर आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, वह सबका सब जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसको सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक्टिव फॉर्म में मान लीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे पहले कोई एडजेक्टिव है या कोई डिटरमिनर है, डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों है, या अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उस नाउन से जुड़े हुए जितने भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उन सब के साथ हम उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं पैसिव फॉर्म में। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हमने वर्क को यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना करके लिख दिया या सिर्फ देयर को लिख दिया। हमको देयर वर्क दोनों, यानी ये हो गया हमारा नाउन और ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों को मिलाकर के ही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, जब इसको हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे पैसिव फॉर्म में। इज दैट क्लियर? आइए इसको चेंज करते हैं। सो मैंने लिखा देयर वर्क
work had been finished. अब had यूज हुआ है, जब पैसिव में चेंज करूंगा तो इसके साथ क्या यूज होगा? Been भी यूज होगा. मैं पहले आपको बता चुका हूं had been. अब finished ऑलरेडी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है finished. यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, रेगुलर वर्ब की तरह काम करती है, तो यहां भी क्या यूज होगा? Finished होगा. अब किसके द्वारा? By दे का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो क्या बनता है? देम, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम, यानी उनका काम उनके द्वारा खत्म किया जा चुका था. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, वे अपना काम खत्म कर चुके थे. इज दैट क्लियर? मीनिंग इज सेम. टेंस डजंट चेंज. टेंस चेंज नहीं होता, चाहे एक्टिव से पैसिव में चेंज करें या पैसिव से हम लोग एक्टिव में चेंज करें. इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है. आज आपने आपको मैंने दो तीन नई चीजें बताई है, आई होप आपको वो अच्छे से याद रहेंगी और आप सीख भी गए होंगे. अगर फिर भी इससे रिलेटेड आज भी जो मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है, जो भी सिखाया है, इससे रिलेटेड फिर भी कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, वॉट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, आपके पास जो भी मीडियम्स है, रिसोर्सेज है, उसके थ्रू आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई होप इनसे आई होप आज जो मैंने आपको जो टेंसेस पढ़ाए हैं, जो एक्टिव से पैसिव फॉर्म में जिनको चेंज करते हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बहुत ज्यादा इजी है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना और पैसिव से एक्टिव में भी चेंज करना, तो बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आई एम टीचिंग यू विद द इजीएस्ट वे, जो सबसे आसान तरीका हो सकता है उस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख रहे हैं. इज दैट क्लियर? आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो कंप्लीटली. वीडियो को हमेशा ही पूरा देखना है आपको, तभी आप जो कंटेंट पूरा आपको मिल पाएगा. इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट डे आगे जो हमारी आने वाली क्लास में, उसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, और ऐसा क्या आप जानते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव बनता है, तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, उन दो टेंस को हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. सो आई होप देन टिल देन यू विल एंजॉय योर स्टडीज एंड यू आर वर्किंग हार्ड एट होम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बी सेफ एंड कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू सो मच.